Welcome to Create Momentum Podcast. Today, my guest is Noor Alam. Noor Alam has been working in e-commerce during coronavirus. So he's our guest. I welcome you. Thank you for inviting me. Noor bhai, aap pehle to apne baare mein bataye ki aap karte kya hain, job karte hain, job karne ke baad aap jo hai ye affiliation marketing mein kaam kar rahe hain. मैंने भी थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग किया, ये इजी है नहीं. यू हैव टू बी वेरी पर्सुएसिव. क्या कहते हैं आप इस चीज के बारे में? बिल्कुल. सो अफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग से अलग है. बेसिकली अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे आपने किया है तो आपको पता है कि उसमें लेग्स होती है, आपको अपने अंडर में लोगों को जोड़ना होता काइंड ऑफ. अफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल ही अलग है. ये दो तरह से होती है, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी कर सकते हैं और फिजिकल प्रोडक्ट्स में भी कर सकते हैं. तो इसमें आपको ये नहीं कि आपके नीचे कुछ लोगों को कनेक्ट करना है. आप डायरेक्ट किसी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, डिजिटल हो या फिजिकल प्रोडक्ट हो, आप जस्ट उसको प्रमोट कर रहे हो. आप इनऑर्गेनिक भी प्रमोट कर सकते हो और ऑर्गेनिकली भी प्रमोट कर सकते हो. आप उसको प्रमोट करते हो तो आपका जो कंपनी से आपका कमीशन फिक्स होता है वो आपको मिलता है. डिजिटल प्रोडक्ट में ये ज्यादा होता है कमीशन और फिजिकल प्रोडक्ट में कमीशन बहुत कम होता है. तो ये नेटवर्क मार्केटिंग से बिल्कुल ही अलग है. अच्छा, तो आपको इस चीज का ख्याल कैसे आया कि आप जो है आपको एफिलिएट, आपने जब देखा, देखे एफिलिएट मार्केटिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग होती है और नेटवर्क मार्केटिंग. पैसा तो हर चीज में होता है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ये है कि वो आपको खज्जल ख्वारी का काम है, वो इजिली अचीव नहीं होता. इट इज अचीवेबल क्योंकि लोग ये चाहते हैं. एक छोटी सी बात है, मैं अपनी बात करूं, आई वो कहता ना मुझे जन्नत में जाना है लेकिन मैंने मरना नहीं है, तो इस तरह तो होता नहीं है. तो आप ये बताइए कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग चूज क्यों की? ओके ओके. सो ये जर्नी मेरी ऑनलाइन, जो भी एक माइंडसेट बना के आज के जमाने में ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है या ऑनलाइन अपना करियर बनाया जा सकता है, ये जर्नी स्टार्ट हुई मेरी 2018 से करीब. उस टाइम जब मेरा ये माइंडसेट बना कि मुझे कुछ करना है ऑनलाइन, ठीक है, मैं जॉब करता था तो मैं इस यूट्यूब में सर्च करने लगा वीडियो, जैसे हर इंसान करता है कि कुछ ना कुछ मिल जाए हमें, कुछ करने के लिए कुछ आइडियाज मिले कि हम कुछ कर पाए. सो उसी टाइम क्या हुआ, मुझे ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स से रिलेटेड एक बहुत अच्छे इंडिया में इंसान है, उनका काफी अच्छा मतलब यूट्यूब चैनल वगैरह है, तो वो कॉन्टेंट देते थे ड्रॉप शिपिंग. तो मुझे पता लगा कि ऐसा भी कुछ होता है कि आप घर बैठे ई कॉमर्स स्टोर चला सकते हो, आप प्रोडक्ट भी आपका नहीं होगा, आपको शिपिंग भी नहीं करनी और आप अच्छा खासा उसे अर्न कर सकते हो, पोटेंशियल बहुत अच्छा है. तो 2018 में मैंने वो कंटेंट देखना शुरू किया. लेकिन वो स्टार्टिंग माइंडसेट तो बिजनेस वाला बन गया, लेकिन वही जो अक्सर लोग गलती करते हैं कि फ्री में सब कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा भी माइंडसेट था कि हो जाए. जैसे मैं उनका कंटेंट टाइम टू टाइम देखता गया तो मैंने देखा कि बहुत सी खर्चे हैं इसमें, आगे इन्वेस्टमेंट है, आपको टूल्स लेने पड़ते हैं. चलो फेसबुक एड एक छोटी सी चीज है, आपको खर्चा करना ही करना है एड चलाने अगर आपको इनऑर्गेनिक करो, बट उसके बहुत से टूल्स होते हैं जो एनालाइज करना होता है डेटा में, बहुत सी चीजें. तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, वो तो माइंडसेट नहीं था बेसिकली. सो मैंने एक साल वेस्ट कर दिया. ये सबसे बड़ा मैं कहूंगा अपना बैड टाइम था या मेरा बैड डिसीजन था कि मैंने उस टाइम फ्री जाने का सोचा, एक साल वेस्ट कर दिया. एट लास्ट 2019 के नवंबर में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं ऐसे तो कुछ होगा नहीं, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. तो मैंने फिर ई कॉमर्स स्टार्ट किया एक साल टाइम वेस्ट करने के बाद. लेकिन जैसे ही वो एक डेढ़ महीने में एक मोमेंटम क्रिएट हुआ, क्योंकि चीजें समझ में आने लगी, आप देखते हो, समझते हो, प्रैक्टिकली जब करते हो, इंप्लीमेंट करते हो चीजों को, तो आपका एक फ्लो बनता है. और जैसे ही वो एक डेढ़ महीने में ठीक ठीक होने लगा और वहां ही कोरोना वायरस आ गया. और क्योंकि अब ड्रॉप शिपिंग ऐसे वर्क करता है कि आप मोस्टली जो प्रोडक्ट्स होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट में होती है ड्रॉप शिपिंग, वैसे डिजिटल में भी कर सकते हैं, वो चाइना से आते हैं अली एक्सप्रेस के थ्रू और भी आजकल बहुत सी वेबसाइट्स हो गई हैं. सो होता गया कि जब ये सब सही चल रहा था तो कोरोना वायरस आ गया, तो सारा शिपिंग कंपनीज, शिपिंग जो भी उनका प्रोसीजर होता है सारा बंद हो गया. सबको पता है लॉकडाउन लग गया था वर्ल्ड वाइड. तो कहीं ना कहीं जाके मेरी तो बिगिनिंग फेज थी, मैं अपनी जो सक्सेस देख रहा था या सोच रहा था कि मुझे सक्सेस मिलेगी, उससे पहले इतना बड़ा झटका लग गया और सब बंद हो गया. तो वो एक मोमेंटम टूट गया वहां जाके. फिर मैं एक दो महीने खाली हो गया कि क्या करूं. फिर अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता था मुझे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सी चीजें, उसमें से एक अफिलिएट मार्केटिंग छोटी चीज है, तो पता था. लेकिन जब कुछ नहीं है तो माइंडसेट तो था कि कुछ करना है, ऑप्शन ढूंढ रहा था मैं. तो एक फ्रेंड के थ्रू
मुझे इंटरेस्ट ज्यादा जगा, वो कर रहा था, मैंने उसके रिजल्ट्स देखे, तो मैंने कहा चलो जब तक ई कॉमर्स सेट नहीं हो रहा है दोबारा, लॉकडाउन लगा हुआ है, प्रॉब्लम्स क्रिएट है उसमें, सो मैंने फिर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने का प्लान किया। तो एफिलिएट मार्केटिंग में भी जैसे कि आप कई बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू कर सकते हो, क्लिक बैंक हो गया, जेवीजू हो गया, बट मैंने इजी वे चुना जहां पे मुझे गाइडेंस भी मिलता रहे, ट्रेनिंग्स भी मिलती रहे। मैंने अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया जो कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो तब से मैं फिर अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। वहां से एक मेरा मोमेंटम भी क्रिएट हो चुका था, मेरे को अर्निंग्स भी अच्छी हो रही थी, तो मैं तब से अफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहा हूँ। इन फ्यूचर हाँ जरूर मैं अपने ई कॉमर्स पे फिर से फोकस करूंगा, क्योंकि बिकॉज मेरा पैशन या मेरा जो कितने के जो इंटरेस्ट ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो ई कॉमर्स में है कहीं ना कहीं, लेकिन वो अभी वो क्लोज कर रखा है मैंने वो प्रोजेक्ट, आप कह सकते हो इस चीज को कि वो होल्ड पे, एक साथ अफिलिएट में आ चुका हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मुझे तो एफिलिएशन मार्केटिंग के बारे में नहीं पता। जिस तरह से मैंने अपना चैनल शुरू किया कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर के साथ इंटरव्यू करूंगा, और आपको पता है कि जब आप वर्ल्ड के टॉप एंटरप्रेन्योर्स को अप्रोच करने की कोशिश करते हो, किसी के साथ शायद तुक्का लग जाए, लेकिन इट्स नॉट ईजी, क्योंकि वो हर आदमी ये चाहता है कि आपका, क्योंकि जो लोगों को सबसे बड़ी है एक तो ये है व्यूज पे जाते हैं, वो सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं, वो किसी को ये नहीं देखते कि, या ये देखते हैं कि कितना पॉपुलर है, अगर मैं इसका इंटरव्यू लूंगा या ये मेरे से इंटरव्यू ले रहा है तो इससे बेनिफिट क्या होगा, यानी दोनों पार्टीज में जी। वो उस तरह से करते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि आई शुड टेक माई चैनल एंड जितने भी लोग हैं, जैसे आप हैं या कोई और है आपके जानने वाला, या उनको कुछ बोलना है या कुछ उनको अपनी बात करनी है तो वो मेरे चैनल के थ्रू कर सकते हैं। यानी मैं आई इनवाइट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट भी मुझे सोनम ने दिया था। ओके हाँ, आपने बताया था एक बार। हाँ हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपसे बात करें, क्योंकि वो खुद एक इन्फ्लुएंसर है, तो इस तरह से जो है मेरी उनसे बात हुई। तो ये यानी होता रहता है कि आपका नेटवर्किंग जो है एक दुनिया के हर कोने में हो तो वो एक एडवांटेज हो जाता है, आपको लोगों से बात करने का मौका मिलता है। तो ये है, तो आपसे एक बात मैं पूछूंगा, आप एक साल में या एक महीने में कितनी किताबें पढ़ते हैं जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो आप क्या करते हैं डेली, आपका क्या रूटीन है, या कोई आप जो है वो ऑडियो बोल सुनते हैं, क्या करते हैं आप? देखिए बुक्स बेसिकली सबसे मेन सोर्स है, अगर आप कोई भी चीज में आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े तो बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा मानना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन थोड़ा ये कोशिश करता हूँ कि अगर मैं 4-5 पेज भी पढ़ू, जरूरी नहीं कि बुक आपके पास फिजिकल फॉर्म में, अगर आप चाहें आज के टाइम में तो ई बुक भी आप पढ़ सकते हैं, सारी बुक्स का ई बुक मिल जाएगा आपको। तो आप अगर 5-6 पेज भी पढ़ते हैं तो बुक एक बहुत अच्छा सोर्स है हर चीज के लिए। आपको वहां से पहली चीज, आपको जितने भी बड़े बड़े लोग हो चुके हैं पहले के टाइम में, इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं आप, या बहुत बड़े जो अचीवर्स हैं पुराने टाइम की भी, यानी कि 50 साल या 100 साल पहले की भी, जो हिस्ट्री में बड़े बड़े नाम है, आपको उनके बारे में जानने को मिलता है, आपको पता लगता है कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया। क्योंकि होता क्या है कि इंसान जब एज ए बिगिनर स्टार्ट करता है तो फेलियर आना बहुत कॉमन चीज है, आता ही आता है। और अगर आपको कहीं से कुछ अगर आइडिया नहीं है कि ये बहुत कॉमन चीज है और सबकी लाइफ में होता है, तो आप फौरन उस फेलियर से डिमोटिवेटेड हो जाएंगे और आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों की स्टोरीज पढ़ते रहते हो तो आपको एक अंदर से रहता है कि हाँ यार, ये तो एक स्ट्रगल का पार्ट है, बड़े बड़े लोगों की लाइफ में भी आया है तो मेरी लाइफ में भी आ रहा है, मैं इसको भी ओवरकम कर जाऊंगा। और दूसरा, बुक से फायदा ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलता है, जो आपको कंटेंट क्रिएट करने में, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं या बिगिनर हैं, आप उस राह पे चल रहे हैं, तो वो कंटेंट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको ग्रो करने में। और यही बस चीजें हैं कि मेन सोर्स मेरा यही है कि मैं यूट्यूब के थ्रू जो इस तरह के वीडियोस मुझे मिलते हैं मैं वहां उनको कंज्यूम करता हूँ। मॉर्निंग में मेरा यही रहता है कि 2-3 वीडियोस मुझे अच्छे से देखने ही देखने हैं, और बुक्स के अगर 5-6 पेज भी पढ़ पाया तो बहुत जरूरी रहता है कि पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, इससे मैं एक बात वो करूंगा, देखिए अगर आपको कोई चीज सीखनी है, जैसे मैल्कम ग्लैडवेल ने कहा था कि आपको 10,000 आवर देना है किसी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए, ये थीरी चली थी आपकी
एरिक्सन, डॉक्टर एरिक्सन ने पहले निकाली थी, तो फिर मैल्कम ग्लैडवेल ने इसको रिसमराइज किया था। फिर जॉश कॉफमैन इस चीज पे काम करता रहा कि वो देखना चाहता था कोई इंसान अगर कुछ सीखना चाहता है तो उसके लिए उसको कितना टाइम देना चाहिए, सिर्फ पहले 20 घंटे आपको, बट दैट शुड बी वेरी फोकस्ड, ईदर 20 मिनट टू 60 डेज, ईदर 40 मिनट टू 1 मंथ, इट शुड बी वेरी फोकस्ड, सो यू विल लर्न द बेसिक्स इन द फर्स्ट 20 आवर्स। एक और बुक मैंने पढ़ी थी, उसमें फाइव वर्क फ्लो के नाम से, वो कहता है मेक इट सो स्मॉल दैट यू कांट से नो टू योरसेल्फ। अगर आपको कोई चीज शुरू करनी है तो आप 1 मिनट से भी कर सकते हैं। वो कहता है ना, अगर इफ यू ले अ ब्रिक इन अ डे यू कैन मेक अ वॉल इन 365 डेज। फर्स्ट स्टेप तो होता ही है, दूसरा ये है कि हम नहीं कर पाएंगे, कितना मैं आगे जाऊंगा। अगर सपोज मैं ही अपना पॉडकास्ट छोड़ देता, बाय द वे वी आर ऑन 70th एपिसोड विद यू, सो अगर मैं ही अपना पॉडकास्ट छोड़ देता कि भाई मैं, मुझे सिर्फ एंटरप्रेन्योर से करना है, या सेलिब्रिटीज को कॉन्टेक्ट किया कि उन्होंने मुझे कहा कि भाई नहीं, तो मैं आज आपके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर रहा होता। तो आई इन्वाइट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, देन ये है कि आई मीन यू नेवर नो, बहुत से लोगों को ऐसे क्लिक किया गया कि यूट्यूब में किसी की नजर पड़ी तो वहां से उनको जो है सेलेक्ट कर लिया गया है, जैसे जस्टिन बीबर है, और भी बहुत से लोग हैं यूट्यूब में, उन्होंने कुछ किया तो वहां से वो सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी वो एक नया आजकल चल रहा है, ये हम है, ये हमारी कार है, ये हमारी पार्टी हो रही है, उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है कि वो सलमान भाई हमारे बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने जिसको किसी को इज्जत देनी होती है तो हम कौन होते हैं उसको डिसरिस्पेक्ट करने वाले। तो बात ये है, और आपसे ये कहना है कि आप जो है अब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता यह है कि भाई आप चलते हो, जैसे आपने बताया लेग्स होते हैं, आप लीडरशिप स्किल जो है उसको डेवलप कर रहे होते हैं, क्योंकि एक मैनेजर जो होता है वो सिर्फ अपने जॉब के लिए वो करता है, लेकिन एक लीडर जो होता है वो जो है अपने लोगों को हेल्प करता है कि वो आगे बढ़े और इससे अच्छे से अच्छा, अपनी टीम जो होती है उनकी, इससे बेहतर से बेहतर करते रहें। तो एफिलिएट मार्केट में आपके साथ कोई टीम तो नहीं होती, या आपके साथ तो फिर उसमें क्या सिस्टम होता है? अगर आपने लीडरशिप स्किल अगर डेवलप करनी हो तो उसमें क्या चीज आपको नजर आती है? ओके मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने एक अफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की। अगर मैं डायरेक्ट करता क्लिकबैंक या जेवीजू के थ्रू तो शायद मेरे साथ कोई होता नहीं, वो इंडिविजुअल होता है कि आपने कोई भी वहां से प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट चूज किया और उसको इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक वो आपका जो भी पसंद है आप उसको प्रमोट कर देते हैं। लेकिन अफिलिएट प्रोग्राम में क्या होता है, किसी ना किसी को डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू ही मैं मेनली काम करता हूँ, तो कोई ना कोई जो मेरे से इंडिविजुअल बंदा परचेज करता है उस कंपनी के कोर्सेज वगैरह, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ कि वो भी आगे उस चीज को अगर अफिलिएट करना चाहता है, ये MLM टाइप में साउंड हो रहा है लेकिन है नहीं MLM, क्योंकि यहाँ मुझे ये जरूरी नहीं है कि मेरे नीचे 2 लेग्स हों और उसके नीचे 2 लेग्स हों। मेरा मन है कि अगर मैं 1 महीने काम नहीं करना चाह रहा तो नहीं करूं, मैं चाहूं तो चाहे 100 लोगों को वो सेल आउट कर दूं कोर्स, और वो चाहे तो काम करें या ना करें, ठीक है। सो अगर मैंने जिनको सेल आउट किया है कंपनी उसको पूरी ट्रेनिंग्स देती है, पूरा समझाती है उस चीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में टीच करती है, और अफिलिएट उनको आगे कैसे मतलब इनकम जनरेट करनी सब कुछ, बट मैं फिर भी, क्योंकि फर्स्ट अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मैं हूं जिसने मेरे थ्रू उस चीज को परचेज किया है, तो वो जिम्मेदारी मेरी हो जाती है कि मैं उस चीज को, उसकी छोटी छोटी, जो हर इंसान जब बिगिनर हो बिगिनिंग में स्टार्ट करता है उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, तो और छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके तो आप किसी भी प्रोग्राम के मैनेजमेंट या हायर लेवल पे तो नहीं जाओ, तो फर्स्ट कॉन्टेक्ट पर्सन मैं ही होता हूँ। तो मैं उनको गाइड करना, कहीं ना कहीं वो लीडरशिप वाली यहाँ पे थोड़ा सा स्किल्स की जरूरत पड़ती है, कि अगर वो ज्यादा डिमोटिवेटेड फील हो गया कि मैंने तो बहुत ट्राई कर लिया मेरे से ये चीजें नहीं हो रही तो कैसे करना है क्या नहीं करना है, तो उनको गाइड करना, उनको सारे तरीके बताना, उनको एक ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग देना एक तरह से, वो सारी चीजें करनी पड़ती है। और जब वो करके भी कई बार रिजल्ट्स नहीं आते तो स्टिल वही चीज है जो एक तरह से हाथ पकड़ के चलाने वाली बात होती है स्टार्टिंग में, कि अगर आप अच्छे लीडर हैं तो ऑब्वियसली बात है आप चाहेंगे कि आपके साथ जो भी टीम है वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाए। लेकिन अगर आपको ठीक है आपका वो आपकी ये क्या कहते हैं जिम्मेदारी बेसिकली होती नहीं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि मैं अंदर से क्या फील कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं मुझे उनकी सक्सेस से मतलब है या नहीं है। कंपनी कुछ नहीं कह रही कि आप उनको सक्सेसफुल
करने में हेल्प करे ना करे, कंपनी की जिम्मेदारी, कंपनी ट्रेनिंग दे रही है, बट वो अंदर से फील होता है कि यार मेरे साथ जो बंदा काम कर रहा है तो मैं उसकी हेल्प करूं ताकि वो ग्रो हो, ताकि कल के दिन वो भी आपको याद रखे कि हाँ इन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, अच्छे से समझाया और मेरी बिगिनिंग फेज में, मेरी जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करी। तो ऐसे में करता हूँ लोगों को। या बिल्कुल ठीक, आप की मैंने वो देखी थी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, उसमें संदीप मिश्रा कहते हैं कि लोग कहते हैं ये कि जब हम आपकी वीडियो देखते हैं तो उस थोड़ा सा चार्ज अप होते हैं, उसके बाद जो है चार्ज सारा चला जाता है। तो संदीप मिश्रा ने कहा कि आप लोगों में तो वो प्यास ही नहीं है। तो संदीप मिश्रा की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसने उन्होंने बताया था एक शूटर के बारे में, हर कुछ हंगरी से थे वो शूटर, शायद आपने वो सुनी हो वीडियो, जो जिसको 12 साल लगे 2 ओलंपिक मेडल हासिल करने के लिए, उसने अपना फोकस छोड़ा नहीं, जो उसने करना था सो वो उसने किया। लेकिन इतना कहते ना, किसी भी चीज को करने के लिए इतना एग्रेसिवली पेशेंस होना, इट्स नॉट इजी, ये हर किसी का काम नहीं है। हर कोई जो है एलन मस्क नहीं बनेगा, मार्क जुकरबर्ग और वॉरेन बफेट, ये नहीं हो सकता। लेकिन आप कोशिश कर सकते हो एवरी डे, अगर आप कोशिश करो 25 मिनट्स, अगर आप अपने आप को दो कि यार ये 25 मिनट्स है, आई एम ओनली वर्किंग दैट 25 मिनट्स एवरी डे, ओके इवन द 20 मिनट्स। बाय द वे मैं आपको एक बात बताता चलूं, 20 मिनट्स ऑफ रीडिंग, इट रिड्यूसेस 68% ऑफ योर स्ट्रेस एंड इट एक्सप्लोर योर वोकैबुलरी टू एप्रोक्सीमेटली कहते हैं 1.8 मिलियन है, बट आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, but it is just written in a Google. So, yahi baat hai ke 20 minutes. 20 minutes multiplied by 365 days, it is about 7,300 approximately bante hain. To abhi aap effect dekho. Jaise compound effect, Darren Hardy ki shayad ye kitab aapne padhi ho, compound effect. To wo jo hai, har cheez ka jo compound effect hota hai, wo bahut zyada hota hai. Lekin logon ko dikh nahi raha hota na. Log kehte hain ki aaj humne एफिलियट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ मेरे जैसा आदमी हो तो कहते मैं आज शुरू कर दूं, कल मैं लंबरगिनी और जो है बड़े बड़े महलों में रहना शुरू कर दूं, इस तरह नहीं होता, हर चीज स्लोली होती है। अभी जैसे मैं अभी रिसेंटली मुझे बेबी हुई है, अब मैं चाहता हूं कि वो भागना दौड़ना शुरू करे और वो 6-7 साल की जल्दी हो जाए, लेकिन 6-7 साल उसको गुजारने पड़ेंगे, वी हैव टू ग्रो थ्रू द प्रोसेस। So, इसके बाद हम लोग रैप अप सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन मैं हर एक से पूछता हूं कि क्या चीज हर दिन आपको मोटिवेट करती है और किस चीज से आपको खुशी मिलती है? मोटिवेशन के लिए सबसे जरूरी है कि आपके ड्रीम्स होना। अगर आपकी लाइफ में ड्रीम्स ही नहीं है, okay? जब ड्रीम्स होते हैं फिर उन्हीं को आप गोल की तरह सेट करते हो, उसका प्लान कर लेते हो तो वो गोल बन जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में ड्रीम्स नहीं है तो मैं नहीं मानता कोई बंदा मोटिवेट हो रह सकता है या हो सकता है, बिकॉज जब आपका एम ही नहीं है कि आपको लाइफ में अचीव क्या करना है तो कैसे आप मोटिवेटेड फील कर सकते हो। तो मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, तो उन ड्रीम्स के लिए मैं, जैसे अभी आपने कहा कि कोई भी चीज अचानक से हासिल नहीं की जा सकती, आपको टाइम देना होगा, टाइम लगता है, किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 5 साल लगते हैं, किसी को 1 साल में मिल जाता है, बट वो ऐसा नहीं है कि आज किया और कल मिल जाए। तो वही मेरे ड्रीम्स हैं, उन्हीं के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वही मोटिवेट करते हैं मुझे कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं क्यों जल्दी उठ रहा हूँ, मुझे जो मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अचीव करना है। अगर मुझे वो अचीवमेंट के बारे में ख्याल नहीं आएगा, मैं उसको विजुलाइज नहीं करूंगा तो मैं फिर काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्ट्रगल जो भी इंसान बिगिनर करता है या बिगिनिंग फेज में करता है वो क्यों करता है, कुछ एक रिजल्ट के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए। अगर आप उस रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप मोटिवेट नहीं रह सकते, नहीं तो फिर वही लाइफ है कि अगर आपके ड्रीम्स नहीं है, आपका एम नहीं है, तो आप जॉब करते रहिए, फिर आप कुछ ऐसा बड़ा मत सोचिए कि मैं कुछ कर लूं लाइफ में, कुछ लग्जरी लाइफ के बारे में भी सोच लूं या कुछ, वो तब अजीब होता है जब आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ करते हैं आप, तो यही है। और रही बात कि मुझे खुशी किस चीज से मिलती है, अगर मैं दिन में जो भी काम मैंने सोच लिए एक पहली पिछली रात को मैं सोच रहा था कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है, बहुत छोटे टास्क होते हैं, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल नहीं रहता मेरा कि जॉब के साथ थोड़ा सा साथ लेके चलता हूं, बट अगर शाम तक मैं फील करता हूं कि मैंने जो भी आज छोटे छोटे टास्क सोचे थे करने के लिए मैंने वो अचीव कर लिए, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ जो मेरा आज का प्लान था, जो आज का था मैंने वो अचीव कर लिया, अब कल का फिर कल करेंगे। लेकिन अगर वो चीज मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाता हूँ कभी कभी, तो फिर वो शाम को उतनी खुशी नहीं मिलती कि यार एक दिन और वेस्ट हो गया मेरा, और मैं ढंग से जो आज मुझे काम करना था अच्छे से मैं वो नहीं कर पाया। ये
इट्स अ ग्रेट थिंकिंग जिस तरह से आप सोच रहे हो. मेरी मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह आपको कामयाब करे अपने मकसद में. तो अगर आपके आपके पास भी कोई और आपके कुलीग हो, कुछ हो जो इस सिलसिले में बात करना चाहते हो, तो मोर देन वेलकम. आप कभी भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. दूसरी बात ये कि जाने से पहले आपके कुलीग्स हो, या वर्किंग कुलीग्स हो, या आपके साथ बिजनेस करते हो, आपकी फैमिली हो, या कोई अब्रॉड में रहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिंदगी बहुत छोटी सी थी, एक ही जिंदगी और बहुत छोटी है, तो इसे सो के और ऑर्डिनरी जैसे कि इंसान गुजार दे रहा है लाइफ को, उस तरह से ना गुजारे. हर इंसान का एक ड्रीम्स होता है, या कई बार लोग मतलब सोच तो लेते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसके कुछ करते नहीं. अगर आपके पास आपके ड्रीम्स हैं, आप कुछ आपने प्लान करके रखा है, तो उसके लिए एक्शन लें, काम करना शुरू कर दें. कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा. जब तक आप करेंगे नहीं, एक्शन नहीं लेंगे, वो अचीव नहीं होगा. और कुछ हासिल करें लाइफ में, इस तरह से लाइफ ना गुजारें अपनी, वेस्ट ना करें लाइफ को. बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है ये. थैंक यू वेरी मच नूर आलम. आई रियली अप्रिशिएट कि आपने अपना कीमती वक्त लिया, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया. तो मैं इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा आपके आपसे शुक्रगुजार हूँ. और इंशाल्लाह आगे भी हमारी बात होती रहेगी, या ग्रुप डिस्कशन अगर आपने करना हो पॉडकास्ट पे, यू आर मोर देन वेलकम. तो इंशाल्लाह खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद. खुदा हाफिज.